हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही गणेश जी का प्रिय मोदक, जिसे आप इंस्टेंट जब भी आपके पास टाइम ना हो तो आप तुरंत बना सकते हैं। इसे बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत डिलीशियस, और बिना मोल्ड के हम इसे बनाएंगे, मात्र बिना गैस जलाए 2 से 3 सामानों से। और ये देखिए कितना डिलीशियस हमारा मोदक बन के तैयार है, तो भगवान को इसे भोग लगाएँ और प्रसन्न करें। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है 3 बड़े चम्मच, यानी कि नारियल का बुरादा। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी, ये बिल्कुल बारीक पीसी हुई चीनी है, इसे आप मिक्सी में पीस सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसमें क्रिचनेस आती है, बिल्कुल मावा वाला टेस्ट और स्वाद आता है, लगेगा नहीं कि हमने इसे घर पर बनाया है, बिल्कुल टेस्टी लगता है ये। तो इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तीनों चीज़ आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम इसमें हल्का सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने दूध डाला है ताकि इसमें एक अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो इसमें एक बांधने की कंसिस्टेंसी आ जाएगी, जिससे कि ये बंद लगेगा, आटे की तरह गूंथने लगेगा। ऐसे देखिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा एक मिश्रण तैयार हो जाएगा मोदक बनाने के लिए, जो कि बहुत ही इंस्टेंट और क्विक है और फटाफट से बना सकते हैं। और ये 5 से 6 दिन तक चलता है आराम से। देखिए इस तरह से इसे आप मोदक का शेप दे देंगे बिना किसी मोल्ड के ही, ना ही झंझट है, ना ही कोई ज़्यादा तामझाम। और यहाँ पे मैंने हल्का सा जो ऑरेंज फूड कलर है वो चाकू में लेके इस पर एक निशान लगा दिया है। इसी तरीके से ये दूसरा मोदक भी हम बना लेंगे। इसे हमने मोदक का आकार दे दिया है और इसमें चाकू से हम रेड कलर का ऐसे ऐसे निशान बना देंगे ताकि ये लगेगा कि बहुत सुंदर सा बन गया, तैयार हो गया है। और ऊपर हम इसके एक रेड कलर का निशान लगा देंगे, जिसे देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये पूजा पाठ के लिए है, तो बिल्कुल ऑरेंज और रेड कलर बनके तैयार है सुंदर सा मोदक, जो देखने में तो है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो इसे आप इंस्टेंट जब चाहें तब बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ज़रूर से आप इसे इस गणेश चतुर्थी पर बनाएँ और भगवान को प्रसन्न करें। रेसिपी को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर को सब्सक्राइब करें और ये देखिए कितना टेस्टी हमारा मोदक बनके तैयार है। देखने में डिलीशियस है ना, और खाने में भी बहुत डिलीशियस है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये। तो इस त्यौहार में आप इसे ज़रूर से बनाएं। ये देखिए इसे काटने पर इसके फेस टू टेस्टी, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है।